हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही खस्ता बहुत ही टेस्टी आलू के पापड़ बनाना, जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आलू के पापड़ कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुकर में 2 किलो आलू रख दिए, सहगे आलू रखे हैं और 2 सीटी ले ली हैं। उसके बाद अब हम 2 सीटी लेने के बाद इनको निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे हल्का सा, उसके बाद हम इनको छील लेंगे। अच्छे से इनको छीलने के बाद अब हम इनको क्या करेंगे, किसेंगे। तो पहले हम पूरे आलू छील के रख लेते हैं। कोशिश करो कि थोड़ा गरम गरम में छील लो, है ना, तो किसने में आसानी होती है, हाथ में ज़्यादा चिपकेगा नहीं। उसके बाद जब आलू पूरे छिल जाएंगे तो हमको अच्छे से उसको किसना है। आप उसको मस भी सकते हो या कटोरी लोटे की हेल्प से भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, गठान सी नहीं बनती है, पापड़ फटता नहीं है, इसलिए किसना ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद जब पूरा आलू अच्छे से किसा जाए, देखिए नीचे गिठली गिर रही है ना, ऐसी गिठली नहीं होना चाहिए, अच्छे से उसको बारीक 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 करके करते जाओ। आप इस ट्रिक से बनाओगे तो आपके पापड़ नहीं फटेंगे, बहुत ही खस्ता पापड़ बनेंगे और आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका मन करेगा। उसके बाद यहाँ मेरा पूरा आलू किसा गया, आप देख सकते हो। इसको मैं 2 पार्ट में करूँगी क्योंकि मुझे ना 2 टाइप से ये पापड़ बनाने हैं। तो ये पहली बार में मैं क्या कर रही हूँ, उपास का नमक डाल रही हूँ क्योंकि हम व्रत के पापड़ बना रहे हैं, ठीक है। तो स्वाद अनुसार आप नमक डाल लो, ठीक है। नमक थोड़े पापड़ में हल्का सा कमी रहे तो सही है। ये घर की कुटी मिर्च डाल रही हूँ मैं, आप देख सकते हो इसका कलर कितना प्यारा है, एकदम रेड। उसके बाद मैं यहाँ पर वाइट कलर की जो होती है ना सफ़ेद तिल्ली, वो डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने जीरा अच्छे से मिक्सर में पीस लिया था, थोड़ा दरदरा सा, वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हरा धनिया, मैंने देसी वाला हरा धनिया अच्छा बारीक काट के रखा था, वो डाल दिया है। और अब ये दूसरा जो पार्ट है मैं आपको बताऊँ आलू का, इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे, इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। यहाँ पर जो एक पाउडर आता है ना पूरा 5 रुपये का, वो मैंने पूरा डाल दिया, ठीक है। क्योंकि 2 टाइप से हम इसलिए बना रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आप वैसे आपको अच्छे नहीं लगे तो आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें अब हम जीरा डाल देंगे, काली मिर्च हमने डाल दी है, काली मिर्च से ज़्यादा टेस्टी लगता है। और उसके बाद ये जो तिल रखी हुई थी ये डाल दी है। तिल्ली जो है वो ऑप्शनल है, आप खाते हो तो डालिए, नहीं खाते हो तो मत डालिए। हरा धनिया डालिए इसमें भी, इसमें भी आपको नमक डालना है। और बस उसके बाद ये देखिए मैंने दोनों अच्छे से यहाँ पर रख लिए हैं, एक काली मिर्च वाला एक लाल मिर्च वाला। इसको हम आटे की तरह अच्छे से गूंथेंगे, तेल लगा लीजिए हाथ में हल्का सा ताकि हाथ में ना चिपकेगा नहीं। और उसके बाद अभी जो लाल मिर्च वाला था वो मैंने करा। उसके बाद ये हम यहाँ पे पापड़ बनाएंगे, ऐसे पन्नी में रख के उंगलियों की हेल्प से बना लेंगे, बहुत ही आसान होता है। और पन्नी पर जो होती है ना उस पर डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पापड़ बन गए हैं, बहुत ही बढ़िया पापड़ बने। आप भी इस ट्रिक से बनाकर देखें। वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।